दोस्तों, मैं फिर रूटिंग हार्मोन की तरफ आऊंगा, एक नया रूटिंग हार्मोन आपको मुतारिफ कराऊंगा। ये अगर आप इसमें देखें तो आपको ये देखिए, इसमें आपको तैरते हुए कुछ हरे रंग के नज़र आ रहे होंगे, कुछ स्पॉट्स से कुछ छोटे छोटे टुकड़े नज़र आ रहे होंगे। ये क्या है, अभी हम आपको बताते हैं। दोस्तों, ये एलोवेरा है। हमने अपनी एक वीडियो में पहले भी हिंट दिया था कि एलोवेरा जो है वो इजीली दस्तयाब होने वाला सबसे अच्छा रूटिंग जेल है, रूटिंग हार्मोन है। इसमें इसके अंदर जो ये तैरते हुए ज़रे आपको तैरते हुए टुकड़े आपको नज़र आ रहे हैं, ये इसी इसके यानी के एलोवेरा जेल के एलोवेरा के पौधे के टुकड़े हैं, बहुत छोटे छोटे से। हमने इसमें जब इसको लगाया था तो ये पानी के अंदर उगा हुआ है। इसमें हमने ये थोड़े से एलोवेरा के टुकड़े डाल दिए थे अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। हमारा तजर्बा तो पहले ही है, लेकिन हमने इसमें इसलिए डाल दिए थे कि ये इसका तजर्बा देखें। तो ये आपको इसके नीचे इनके मुकाबले में शूट्स निकलते हुए और इनके मुकाबले में ये स्पॉट्स को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये ऐसा रूटिंग हार्मोन है जो आपको आसानी से दस्तियाब है। आपके आप इसके पौधे लगा सकते हैं, आपके पास मौजूद होते हैं। तकरीबन हर घर में जिन्हें बागवानी का शौक़ होता है उनके यहाँ एलोवेरा पाया जाता है। एलोवेरा कटिंग को आप किस तरह कर सकते हैं, एलोवेरा जेल में इस तरह डिप कीजिए कटिंग को, और फिर इसे या तो इतने इतने टुकड़े लेकर उसमें एलोवेरा में जेल में लगाकर इसे मिट्टी में दबा दीजिए, तब भी ये रूटिंग हार्मोन के तौर पर काम करेगा, या इसे इसी तरह जो है उसके अंदर लगा दें तो भी ये रूटिंग हार्मोन के तौर पर इस तरह इतनी जल्दी इतनी तेज़ी से आपको डिफरेंस आपको नज़र आ रहा होगा कि इनकी भी पानी में रूटिंग तो स्टार्ट हुई है, स्पॉट तो इनके ऊपर भी आए हैं, लेकिन इसके ऊपर नए लीव्स भी आ गए हैं और इसके स्पॉट्स भी बड़े होने शुरू हो गए हैं। ये कुछ दिनों में ये इस काबिल हो जाएगा, अपनी जड़ें इतनी बड़ी कर लेगा। तकरीबन टाइम तो लगेगा इसमें, इनके मुकाबले में कम टाइम लगेगा, लेकिन ये जल्दी रूटिंग कर लेगा। बेहतर रूटिंग के लिए आप एलोवेरा को रूटिंग हार्मोन के तौर पर इस्तेमाल कीजिए, ये आपके पौधों के लिए बहुत अच्छा है। अगर पानी में हाइबिस्कस या किसी भी पौधे को की जड़ों को तेज़ी से उगाना हो तो उसमें एलोवेरा जेल निकाल कर डाल दीजिए, या एलोवेरा पौधे के की कुछ कटिंग जो है छोटे छोटे टुकड़े करके डाल दीजिए, जैसा कि मैंने आपको अभी दिखाया। इस तरह डाल के इसे रख दीजिए, इसके पत्ते भी जल्दी निकलेंगे और इसकी जड़ें भी जल्दी निकलेंगी।
उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।